गुड मॉर्निंग गर्ल्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 9, अ प्रेजेंट फॉर ग्रैंडफादर। अभी तक मैंने 8 लेसन अपने कंप्लीट हो गए हैं और टर्म 1 तक का जो कोर्स था वो 5 लेसन तक था। अब उसके बाद हमारा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और बाकी जो पोयम बीच में आती है वो सब हमारा टर्म 2 का कोर्स है। आप लोगों को अपनी कॉपीज कंप्लीट करना है और कॉपीज कंप्लीट करके स्कूल में जिस दिन भी आपको डेट दी जाएगी उस दिन आकर आपको चेक करवाने के लिए जमा करनी है। आगे समझ में, आज मैं आपको 9 लेसन करवा रही हूँ। मैंने 8 लेसन तक पूरा कंप्लीट करवा दिया है और आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ सेंड कर दिया है, 2-3 बार मैंने सेंड कर दिया है। और अभी तक आप लोगों ने कॉपी कंप्लीट नहीं की हो तो आप कॉपी कंप्लीट कर लें। आज हम लेसन 9 पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट फॉर ग्रैंड फादर। अब बेटा ये जो लेसन है इस लेसन के अंदर से ही फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम और चूज द करेक्ट ऑप्शन जैसे क्वेश्चन हम एग्जाम में आपसे पूछेंगे जो अब हमारा एग्जाम होने वाली है टर्म 2 के लिए। जो हमारे टेस्ट होते हैं मल्टीपल असेसमेंट टेस्ट होने वाला है वो अब डेट बताएंगे आपको कब होगा, लेकिन उसमें जो भी चूज द करेक्ट ऑप्शन आते हैं वो सब बुक के लेसन के अंदर से आते हैं। इसलिए आप लोग जब मैं लेसन पढ़ाती हूँ तब आप ध्यान से सुनेंगे और एक एक लाइन पे ध्यान देंगे, ठीक है ना? क्योंकि ये जो लेसन है इसी में से सारे एमसीक्यूज मैंने डाले हैं पेपर में, ठीक है? अब हम लेसन पढ़ रहे हैं। दिस इज द स्टोरी अबाउट ग्रैंडफादर, मतलब एक इसमें एक लड़का है छोटा, उसका नाम है बाकरी और उसके ग्रैंडफादर हैं, उसकी उन दोनों की एक स्टोरी है, ठीक है? अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या है स्टोरी। प्रेजेंट फॉर ग्रैंडफादर, प्रेजेंट तो सब समझ गए, प्रेजेंट यानी क्या होता है, हाँ, तोहफा है ना, तोहफा, ग्रैंडफादर के लिए तोहफा। अब देखिए हम क्या है तोहफा। अब ये देखिए, यहां से इन अ स्मॉल विलेज हिडन फॉर अवे इन द माउंटेन्स लिव्ड अ यंग बॉय नेम बाकरी। क्या नाम है लड़के का? बाकरी नाम है। ही लव्ड हिज लिटिल विलेज वेरी मच। एक छोटा सा गांव है जो हिडन फार अवे इन द माउंटेन्स, पहाड़ियों में बहुत ही छुपा हुआ, दिखाई नहीं देता है, ऐसा गांव है। उसमें एक लड़का है, उसका नाम बाकरी है और उसे अपने गांव से बहुत प्यार है। इट वॉज अ क्वाइट एंड पीसफुल, वो बहुत जो गांव है वो एकदम शांत है। एट डॉन मीन्स मॉर्निंग का समय, द विलेजर्स वोक अप टू अ पावरफुल वॉइस इकोइंग फ्रॉम द नेबरहुड मॉस्क्यू। क्या होता है, एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग में, हम हमारे आसपास भी देखते हैं सुबह सुबह एक मस्जिद से आवाज आती है ना, अजान बोलते हैं उसको, वो आवाज आती है, उस आवाज से जो गांव के लोग हैं द विलेजर्स जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं वो आवाज सुनकर। और वो आवाज कहाँ से आती है? मास्क से आती है। इट वॉज द वॉइस ऑफ बाकरीज ग्रैंडफादर कॉलिंग एवरी वन टू मॉर्निंग प्रेयर। वो आवाज किसकी रहती है? ग्रैंडफादर की, बाकरी के जो ग्रैंडफादर है वो आवाज, मतलब जो अजान का जो काम करते थे वो बाकरी के ग्रैंडफादर करते थे, तो उनकी आवाज से सब लोग सुबह उठ जाते थे और अपनी अपनी प्रेयर करने लगते थे। ग्रैंडफादर वॉज वेरी डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा अपने ड्यूटी के प्रति कर्तव्य निष्ठ होते ना, अबाउट हिज ड्यूटी, ड्यूटी के प्रति बहुत ज्यादा कर्तव्य निष्ठ। ही नेवर मिस्ड अ सिंगल मॉर्निंग, एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि वो कभी छुट्टी कर दे, ठीक है ना? ऐसा आप सबको भी बहुत बनना है, मतलब हार्ड वर्कर, समझ में आया ना? बहुत पढ़ाई पे ध्यान देना है आप लोगों की, अच्छे से पढ़ाई हो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, ये डेली आप रीडिंग राइटिंग लर्निंग का काम करें, ये सब आप आपके दिमाग में बैठा ले। वन मॉर्निंग अ डिफरेंट वॉइस गेव द मॉर्निंग कॉल। अब एक दिन क्या होता है, एक अलग आवाज आती है वहां से। वॉट हैज हैपन टू ग्रैंडफादर वॉन्डर्ड बकरी। बकरी को आश्चर्य होता है कि अरे ये आवाज किसकी है, आज ग्रैंडफादर की आवाज तो लग ही नहीं रही। आई होप ही इजंट सिक। एट द मास्क्यू बकरी लुक्ड एवरीवन एवरीवेयर फॉर ग्रैंडफादर बट ही वॉज नाउ वेयर टू बी सीन। अब एक सुबह क्या होता है कि ग्रैंडफादर की आवाज कुछ अलग से आवाज आती है, तो वो सोचता है कि ये आवाज तो ग्रैंडफादर की नहीं हो सकता, ग्रैंडफादर कहीं बीमार तो नहीं हो, और वो मास्क की तरफ जाने लगता है देखने के लिए। बकरी वॉज गेटिंग वरीड, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है। देन वन ऑफ ग्रैंडफादर्स नेबर्स टोल्ड हिम दैट ग्रैंडफादर हैड अ बैड कोल्ड। अब एक पड़ोसी उनको रस्ते में मिलते हैं, वो कहते हैं कि ग्रैंडफादर जो थे उनको बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा था एंड वुड कम बैक टू द मास्क्यू ओनली आफ्टर अ फ्यू डेज, और वो कुछ ही दिनों में वापस आएंगे। थैंक गॉड ग्रैंडफादर इज ऑल राइट, थॉट बेक बकरी। बकरी सोचता है चलो ग्रैंडफादर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उनको सिर्फ जुकाम हुआ है। आई शुड विजिट हिम बट हाउ कैन आई,
चीयर हिम अप ही वॉन्डर्ड। अब वो सोचते हैं कि अब मुझे जाकर उनके हालचाल पूछना चाहिए, अब उन्हें कुछ तो मुझे सरप्राइज देना पड़ेगा ना। वो कुछ उसको आश्चर्य लगता है, क्या दूं क्या सोचता रहता है वो। लकीली फॉर बाकरी इट वॉज दैट टाइम ऑफ द ईयर वैन मनकेंग्स अ टाइप ऑफ नट, मनकेंग्स नाम का एक नट है, जैसे हमारे इधर होते ना अखरोट वगैरह होते, उस टाइप से एक मनकेंग भी जो है कुछ नट रहता है वो वहां पर मिलता है और वो उसके दादाजी को बहुत पसंद रहता है। तो वो सोचता है कि यही एक चीज है जो उसको दादाजी बहुत प्यार करते हैं, मतलब जो पसंद से खाते हैं, तो मैं उनके लिए लेकर जाता हूँ। ग्रैंडफादर लव्ड वर राइप एंड रेडी फॉर गैदरिंग। और अभी जो ये मनकेंग्स का ही टाइम है, मनकेंग फ्रूट राइप हो गया है और तैयार हो गया है इकट्ठा करने के लिए, गैदरिंग करने के लिए। आफ्टर ग्रैंडफादर हैड ईटन द नट्स ही कुड यूज द शेल टू कर्व द लवली फिंगर रिंग्स ही वॉज फेमस फॉर। अब वो जो नट का जो छिलका रहता है उसका कुछ ऐसा वो कर्व शेप में कर देता है कि वो ऐसे फिंगर की रिंग बन जाती है, और फिर वो क्या उसके लिए फेमस था वहां पर कि वो ऐसा कुछ उसको आता है करते। इट वुड बी इजी टू सेल देम फॉर 50 रुपया ईच। अब वो 50 रुपीज में वहां पर सेल भी कर देता है। रुपया मतलब वहां का कोई कॉइन है, करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की करेंसी रुपया। द मनकेंग्स आर द परफेक्ट गिफ्ट फॉर ग्रैंडफादर। तो वो सोचता है कि क्या गिफ्ट है ग्रैंडफादर के लिए, मनकेंग्स। बाकरी थॉट एक्साइटेडली एज ही मेड हिज वे टू नट हिल वेयर द फाइनेस्ट मनकेंग ग्रीव्स। अब वो उस हिल पे जाने लगता है जहां पर मनकेंग्स के पेड़ होते हैं, बहुत सारे मनकेंग्स लगते हैं, और अपना रास्ता उधर बना लेता है। देयर हैड बीन अ स्ट्रांग विंड द नाइट बिफोर एंड द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ नट्स। अब एक दिन पहले क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग विंड चलती है, बहुत तेज हवा चलती है, जिससे सारे जो नट्स है वो नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। सिंगिंग नियरली टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में मन ही मन बहुत खुश होता है, गुनगुनाता है, अरे वाह आज तो मुझे सब कुछ मिल गया। बाकरी बिगेन गैदरिंग देम, वो छोटाफट क्या करता है सब इकट्ठा कर लेता है। जस्ट एज बाकरी फिनिश्ड पिकिंग अप द लास्ट फ्यू नट्स ही हियर्ड सम वॉइस, कुछ ही मतलब बचते हैं और उस वक्त क्या होता है अचानक से उसको कुछ आवाज आती है। अ नॉइजी ग्रुप वॉज कमिंग अप द हिल, वो जो शोर करते हुए आवाज जो आ रही थी वो किसी लड़कों की आवाज रहती है, वो ग्रुप रहता है चार पांच लड़कों का, वो लोग ऊपर आते रहते हैं। इट मस्ट बी द अदर बॉयज फ्रॉम द विलेज, हो सकता है वो गाँव के दूसरे लड़के हो। ओ नो इफ दे फाइंड आउट दैट आई हैव गेदर्ड ऑल द नट्स एंड लेफ्ट देम नथिंग दे विल बी फ्यूरियस। वो सोचता है अरे यार अगर इन लोगों ने देख लिया कि इनको एक भी नट्स नहीं मिला है और सारे किसी ने इकट्ठा कर लिए तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। बाकरी जो रहता है वो चिंतित हो जाता है। ही क्विकली क्राउल्ड इन टू अ क्लम्प ऑफ बुशेस टू हाइड एंड प्रेड दैट दे वुड नॉट कैच हिम। अब वो क्या करता है, झुक के नीचे से छुप जाता है जाके बुशेस मतलब झाड़ियों के पीछे कि कहीं वो लड़के इसको देख न ले। फाइव बॉयज केम, ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है ना ये चित्र, देखो आप इसमें ये लड़के आ रहे हैं और ये छुप कर बैठा है और बिल्कुल उनको छुप के देख रहा है। अब यहां देखेंगे फाइव बॉयज केम रनिंग अप, पांच लड़के ऊपर आ रहे थे है ना हिल, एंड स्टॉप्ड एब्रप्टली व्हेन दे सॉ द एम्प्टी ग्राउंड। अब वो सब आश्चर्य करते कि अरे ये पूरा ग्राउंड तो खाली पड़ा है, वी हैव बिकम टू लेट, हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, लेट आए हैं। वन ऑफ देम क्राइड इन डिसअपॉइंटमेंट, निराशा से एक व्यक्ति लड़का कहता है अरे यार हम तो बहुत लेट हो गए ऊपर आने में। व्हाट बैड लक, कितना मतलब हमारा बैड लक है। सेड अनदर हु कुड हैव टेकन ऑल द नट्स, कौन ले गया सब। बाकरी ऑल द बॉयज क्राइड आउट टूगेदर, एक साथ सब जोर से चिल्लाते हैं। दे न्यू दैट बाकरी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू सी हिज ग्रैंडफादर एट द मास्क्यू। उन सबको ये पता होता है कि जो बाकरी है वो अपने पिता ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए जल्दी उठा था, इसलिए वो जरूर वही आया होगा और वही उसी ने उठाए होंगे। लुक हिज फुटप्रिंट आर स्टिल ऑन द ग्राउंड, देखो उसके जो पैरों के निशान है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे। क्विक इफ वी हरी वी कैन कैच, अगर हम थोड़ा जल्दी आते तो हम उसे पकड़ लेते। एंड टेक ऑल द नट्स अवे, और हम उसे सारे नट्स ले लेते। सेड वन ऑफ देम हियरिंग दिस बाकरी स्टार्टेड टू शेक, ये सब सुनकर बाकरी क्या करता है शेक है ना, हिलता है थोड़ा सा। बट द अदर बॉयज इन द ग्रुप ऑफ स्टॉप देम इफ वुडंट बी फेयर टू टेक द नट्स
अवे फ्रॉम बाकरी. ही सैड आफ्टर ऑल डिडंट ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गेट हियर. इफ वी वॉन्ट द मनकेंग्स देन वी बेटर गेट अप अर्ली टू लेट्स गो. वो कहता है कि अगर हम उसे ले लेते हो तो एक लड़का नहीं नहीं गलत बात है, हम वो जल्दी उठकर आया था, वो जल्दी उठ के उसने सारे यहाँ पर इकट्ठा किए तो ये तो उसी को मिलना थे ना, ये तो गलत बात है, हम उससे सारे ले लेते ठीक है ना. और फिर वो कहते चलो चलो अब चलते हैं. द अदर बॉयज वर इम्ब्रेस्ड, दे न्यू दैट ही वॉज राइट. बाकी सबको वैसा लगता है हाँ ये सही कह रहा है, तो सब वापस जाने लगे. ही नीडेड द मनकिंग्स nuts for grandfather but he could not bear to see the sad looks on his friend faces. He stood up gave a loud yell and went running towards them. फिर क्या होता है, वो सोचता है कि अरे सब मेरे जो दोस्त है वो सब दुखी हो गए हैं, grandfather को जो मेरे grandfather मतलब अपने आप को सोचता है वैसा ये जो nuts है वो grandfather के लिए, but उसके जो friends का face देख के भी उसको थोड़ा सा दया जाती है और जैसे बाहर निकलता है सबको आवाज लगाता है. I am sorry I took all the nuts, said Bakri. I was going to take them to my grandfather because he is ill, but he will be happy with just my share. He held out the munchkins to the boys. Here, take a part of them. फिर वो क्या करता है, कुछ nuts अपने पास रखता है, कितने nuts में मेरे grandfather खुश हो जाएंगे, बाकी सब आपको शेयर कर देता है सारे अपने फ्रेंड्स को. The oldest boy took the nuts and smiled. Do you know what I am going to do with my share? I am going to give it to your grandfather. उसमें से एक जो लड़का रहता है वो कहता है नहीं मैं तुम्हारी मेरा जो हिस्सा है वो भी मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को दूंगा. आई एम गोइंग टू गिव यू ग्रैंडफादर देन ही विल गेट वेल एंड स्ट्रांग सून. जल्दी से अच्छे हो जाएंगे. वी नीड हिम टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हम चाहते हैं कि वो जल्दी से सुबह उठे. मी टू मतलब दूसरे भी कहने लग जाते हैं. ऑल द बॉयज कोर्स एंड सो इट वॉज डिसाइडेड. द बॉयज पुट देयर आर्म्स अराउंड इच अदर शोल्डर्स एंड वॉक डाउन द हिल कैरिंग देयर प्रेजेंट फॉर ग्रैंडफादर. और सारे के सारे दोस्त अपने आप को शोल्डर से ऐसे पकड़ते हुए और सारे नट्स वापस उसको बाकरी को दे देते हैं और बाकरी उसे कहते हैं ये सारे हम अपन ग्रैंडफादर को देने चलते हैं और उनके लिए सबसे बड़ा प्रेजेंट होगा. तो ये हमारी स्टोरी हो गई कंप्लीट. अब आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, आप इसको भी जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लेंगे और लेसन को अच्छे से रीड करेंगे, इसी से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे. ओके.